स्वागत है आप सबका स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले इमर्जिंग ट्रेंड्स इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये ऑफिशियली सैंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है फॉर सेमिस्टर 6 बाय MSBTE, ठीक है। तो यूनिट 1 या फिर चैप्टर 1 क्या है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स। तो फर्स्ट है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द डेटाबेस कैन पॉसिबल सो दैट मल्टीपल पीपल कैन वर्क इन अ सॉफ्टवेयर इवन इफ दे आर वर्किंग ऑन अ डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो उसका आंसर है एस्टिमेट मास्टर, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एनेबल्स कंस्ट्रक्शन टीम्स टू मॉनिटर एंड मैनेज सेंट्रलाइज एस्टिमेट्स टेक ऑफ रिपोर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उसका आंसर है प्रोइस्ट। नाउ थर्ड, होम ऑटोमेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश। तो उसका आंसर है SP3D, दैट इज स्मार्ट प्लान 3D। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि 99.9% स्मार्ट प्लान 3D पे एक क्वेश्चन तो आने वाला ही है। वो क्यों आने वाला है, आगे आपको समझ में आएगा। होते, डेटा लॉगिंग कैन बी परफॉर्म्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग सॉफ्टवेयर्स। तो उसका आंसर है बिल्डिंग मेंटेनेंस सिस्टम। फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज एक्यूरेटली डिजाइन 3D मॉडल। तो आंसर है SP3D। अभी मैंने बोला कि SP3D पे एक क्वेश्चन 99.9% बोर्ड में आने के चांसेस, उसका रीजन ये है, एक ही सैंपल क्वेश्चन में, एक ही चैप्टर में दो बार ये पूछा है, मतलब SP3D पे एक क्वेश्चन तो कंफर्म आने वाला है। अब यूनिट 2, रिसेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। तो ये इसके टॉपिक्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए मैं काफी मेहनत कर रहा हूं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिट 2, रिसेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। डैश सैंड इज आउटकम ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो उसका आंसर है नेचुरल सैंड। प्रिजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स आर एम्बेडेड अंडर डैश लेयर। तो उसका आंसर है एस्फॉल्ट लेयर। क्लियर। डैश डिस्कवर्ड द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन फाइबर। उसका आंसर है रॉजर बैकन डिस्कवर्ड द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन फाइबर। द एप्लीकेशन ऑफ कार्बन फाइबर इन सिविल इंजीनियरिंग इज रीइंफोर्स कॉन्क्रीट, रीइंफोर्स द पाइप्स, ऑफशोर एनवायरमेंट स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे इसके आंसर सारे हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कौन सा भी एक आंसर लिख देंगे, तो जो कि ये ऑनलाइन पेपर है तो इसके अंदर रॉन्ग आंसर गिव्स यू 0 मार्क्स। तो आपको, हमको हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसका आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, दिस इज इंपॉर्टेंट। 5th क्वेश्चन, डैश आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लीटर वर्ल्ड वाइड। तो सिगरेट बर्ड्स, तो ये इसका आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट, यूनिट 3, लेटेस्ट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है फोक लिफ्ट ट्रक इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग एंड लोअरिंग वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है फोक लिफ्ट ट्रक इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग एंड लोअरिंग एंड वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब बोथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आंसर बोथ है और उसके साथ नन ऑफ द अबव भी आंसर दिया, तो ये दोनों में कंफ्यूजन होने के चांसेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डैश इज यूज टू लिफ्ट एंड मूव मटेरियल्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। उसका आंसर है फोक लिफ्ट ट्रक, ठीक है। तो अभी आप ध्यान में दो कि ये फोक लिफ्ट ट्रक कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए सैंपल में 2 बार अलग अलग क्वेश्चन पूछा है। फोक लिफ्ट ट्रक इज यूज फॉर किसके लिए, अगेन वापिस फोक लिफ्ट ट्रक। तो फोक लिफ्ट ट्रक 99% आने के चांसेस है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो फोक लिफ्ट ट्रक के ऊपर अच्छे से थ्योरी पढ़ लेना, या फिर आपको अगर थ्योरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो जैसे कि मैंने मैकेनिकल डिप्लोमा के लिए जैसे मैंने थ्योरी एक्सप्लेन किया, वैसे आपको लिए भी थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, द मेन एडवांटेज ऑफ मोबाइल कॉन्क्रीट मिक्सिंग इज कन्वीनियंट टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड, कन्वीनियंट टू चेंज द इंस्टॉलेशन साइट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे एडवांटेज भी बोला है। अब एग्जाम में एक चेंजेस हो सकता है कि यहाँ पे 3 एडवांटेज ऐड कर देंगे और आंसर में लिख देंगे कि बोथ ए बी एंड सी, ठीक है, या फिर ऑप्शन नन ऑफ द अबव।
तो तीन आंसर हो जाएंगे, तो इसके एडवांटेजेस पढ़ लेना। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, क्रेन्स आर यूज्ड फॉर लिफ्टिंग एंड लोअरिंग वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ए एंड बी, लिफ्टिंग एंड लोअरिंग वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन। अब आपको मैं सिर्फ पढ़ा रहा नहीं हूं, बट आपको एमएचबीटी की जो ट्रिक्स है वो ट्रिक्स भी बता रहा हूं, तो वो ध्यान दीजिए। अगेन बता रहा हूं, देखो मैंने बोला फोक लिफ्ट वाला, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे भी फोक लिफ्ट का आ गया, यहाँ पे भी क्रेन का आ गया। क्लियर। ऑप्शंस देखो, लिफ्टिंग लोअरिंग वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे भी लिफ्टिंग लोअरिंग वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे ट्रक लिफ्ट। ठीक है, मतलब फोक लिफ्ट ट्रक पे क्वेश्चन आने ही वाला है, और वन से एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, मिनिमम दो क्वेश्चन तो आपको फोक लिफ्ट पे आएगा, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा इतना डिटेल में, तो इसके लिए लेक्चर को पूरा देखो। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स हैविंग फ्लैट बॉटम्स, तो क्या है, रोलर कन्वेयर। क्लियर। नेक्स्ट इज यूनिट फोर या फिर चैप्टर फोर, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। द फर्स्ट है, विच इज नॉट द स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उसका आंसर है नॉन मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेस। डैश इज वन ऑफ द की मेजर्स ऑफ रिजॉल्विंग वाटर स्कैरसिटी, तो आंसर है वाटर सेविंग। क्लियर। स्कैरसिटी का मतलब है कि पानी की कमी को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पानी को बचाओ। थर्ड, प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन एंड टू रिकंस्ट्रक्ट द वाटर एनवायरमेंट आर अचीव बाय एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज एंड पॉलिसीज, वाटर एनवायरमेंटल एजुकेशन, सफिशियंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। तो इसके आंसर ऑल ऑफ द अबाव है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने यहाँ पे मार्क किया है, और ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसको अच्छे से ध्यान में रखो। सस्टेनेबल वाटर रिसोर्सिस मैनेजमेंट शुड साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई डैश नीड्स, तो उसका आंसर है सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल डिमांड्स। क्लियर। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे सोशल एजुकेशनल एंड कमर्शियल दिया है, तो दिस इज नॉट द आंसर, आंसर इज सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल। नेक्स्ट नेक्स्ट है, वाटर स्कैरसिटी इज अ रिजल्ट ऑफ मिस मैनेजमेंट ऑफ वाटर, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वाटर स्कैरसिटी पे 2 क्वेश्चन आए, मतलब वाटर स्कैरसिटी पे बोर्ड में क्वेश्चन आने के चांसेस है ही, तो वाटर स्कैरसिटी का टॉपिक ये चैप्टर के लिए अच्छे से पढ़ लेना, तो उसमें उसमें से 2 या 3 तो आएंगे ही। क्लियर। नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 5 या फिर चैप्टर 5, एडवांसमेंट इन कंस्ट्रक्शन। द फर्स्ट, अ बिल्डिंग विथ अ नेट एनर्जी कंजप्शन इक्वल टू नील इज कॉल्ड एज जीरो एनर्जी बिल्डिंग। अभी यहाँ पे जीरो एनर्जी बिल्डिंग क्यों है, कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर बोल दिया है। क्यों बोल, क्या बोला है, देखिए यहाँ पे देखो, नील नील दिख रहा है, ये नील नील मतलब क्या, जीरो ना, मैथ्स में हमने पढ़ा है नील मतलब जीरो, तो जीरो एनर्जी बिल्डिंग। क्लियर। तो क्वेश्चन में ही आंसर है, ये टेक्निक याद रखो, नील। द प्रिंसिपल ऑफ जीरो एनर्जी बिल्डिंग इज टू रिड्यूस कार्बन एमिजन्स। तो जीरो एनर्जी बिल्डिंग पे 2 क्वेश्चन आए, मतलब ये चैप्टर में से जीरो एनर्जी बिल्डिंग पे क्वेश्चन आपको 100% आने ही वाला है। क्लियर। यहाँ पे भी देखो, जीरो एनर्जी बिल्डिंग मतलब इस पे क्वेश्चन आने ही वाला है, तो ये चैप्टर जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले जीरो एनर्जी पे फोकस करो, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं आपके लिए हार्डवर्क कर रहा हूं और मुझे अच्छा लगता है कि आपको अच्छे मार्क्स आए इसके लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर जीरो एनर्जी बिल्डिंग, उसका आंसर है हाईली इंसुलेटिंग फर्नीचर। फोर्थ, टू रिड्यूस यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन कैन सजेस्ट टू यूज फोटोवोल्टिक सेल्स, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइज द ग्रीन बिल्डिंग इन इंडिया, तो उसका आंसर है GRIHA। क्लियर। ये सारे फुल फॉर्म या फिर चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आज हमने ऑफिशियली एमएसबीटी का जो भी क्वेश्चन है वो सारे कवर कर लिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, चाहे वो नजदीक रहते हो दूर रहते हो, ताकि सारे स्टूडेंट्स का भला हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज कमेंट करके बताइए आज का लेक्चर आपको कैसे लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।